Okay. Good morning to all of you. Good morning. Am I audible? Yes, sir. Good morning. Good morning. Very good. This is the way to answer. I liked it. Very good, Vidhi. Vidhi or Prisha, kaun bola? Sir, Vidhi. Very nice. Very nice. Okay. Write the title as Motion in a Plane. Naya chapter start karte hum log. Motion in a Plane. Sir, 44th question. Sorry. Sir, 44th question. 44th question. कौन सा है? MCQ वो नहीं करना है, क्योंकि उसमें है ना principle of power that is smaller equal to capital R, वो part नहीं है syllabus में. Okay, but Jitu, you are doing really well. Log में 33 आया ना तुमको? Yes. That is very good. बस ऐसा continue रखना. Okay. Continue in physics also. हर subject में पूरा जोर लगा दो. All right. Okay. करते हैं motion in a plane. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसका करंट से खुद लेना देना नहीं. इसमें है ना आपने सुना होगा कंसीडर अ बॉडी, कंसीडर अ पार्टिकल. All right. तो बॉडी और पार्टिकल में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली कोई पूछने वाला नहीं है. व्हाट इज अ बॉडी? डिफाइन अ बॉडी, डिफाइन अ पार्टिकल. तो लेकिन हम लोग तो समझे पोर्शन ऑफ मैटर मतलब पोर्शन ऑफ मास व्हिच ऑक्यूपाइज द फाइनाइट स्पेस, छोटा सा स्पेस लेता हो उसको बोलते हैं बॉडी. और बॉडी का छोटा सा पार्ट इज कॉल्ड पार्टिकल. फाइनाइट मैटर जो फाइनाइट स्पेस लगता है अपने पास, ऑलराइट, इन द अर्थ यू कैन से, तो उसको बोलते हैं, मैं अर्थ बोलने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं बॉडी. और वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पार्टिकल. तो लिख डालो जल्दी जल्दी, कोई पूछने वाला नहीं है, बट आवर जनरल नॉलेज. टाइटल लिखो बॉडी और उसमें लिखो अ बॉडी इज द, बॉडी इज अ बॉडी इज अ पोर्शन ऑफ मैटर विच ऑक्यूपाइज अ फाइनाइट स्पेस, विच ऑक्यूपाइज अ फाइनाइट स्पेस. फिर लिखो पार्टिकल. नेक्स्ट टाइटल लिखो पार्टिकल. पार्टिकल इज अ पोर्शन ऑफ द बॉडी. पार्टिकल इज अ पोर्शन ऑफ द बॉडी विच इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, विच इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल. अब मैं आपको बताता हूं व्हाट इज इनफाइनाइटेसिमली. आपने इनफाइनाइटली लार्ज सुना है क्या? हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग विच इज इनफाइनाइटली लार्ज? बोलो, सुना है कि नहीं? हाँ यार, ना मैं बोलो ना यार, नहीं तो ना बोलो, नहीं सुना है. हाँ क्या बोला? नो ना. ओके, आई विल एक्सप्लेन. देखो मैं बोलू कोई नंबर पे जो बहुत बड़ा, तो कोई बोलेगा 1 लाख, बोलेगा नहीं 10 लाख, बोलेगा 100 लाख, 1 करोड़, 1000 करोड़, 5000, मतलब इतना बड़ा नंबर विच यू कैनॉट इमेजिन, उसको बोलते हैं इनफाइनाइटली लार्ज. उसको डिनोट करते हैं इन्फिनिटी को ऐसे, बहुत बड़ा इनफाइनाइट. एग्जैक्टली उसका उल्टा, इतना छोटा कि यू कांट इमेजिन, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल. ये बहुत बार यूज होगा आगे, इसलिए मैंने जरा डिटेल में बता दिया. इनफाइनाइटेसिमली है एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इनफाइनाइट. इनफाइनाइट है इतना बड़ा कि यू कैनॉट इमेजिन, इनफाइनाइटेसिमली इतना छोटा कि यू कैनॉट इमेजिन. तो आपने लिखा पार्टिकल के बारे में, Yes. उसके बाद में लिखो पोजिशन एट रेस्ट, पोजिशन ऑफ रेस्ट. एनीबडी कैन टेल मी व्हाट मस्ट बी पोजिशन एट रेस्ट? सो व्हेन द बॉडी इज नॉट इन मोशन. बॉडी इज नॉट इन मोशन. ओके,
will do, but still rest word mein jyada interest hai mere ko. देखो मैं बताता हूँ आपको. अच्छा मैं ये ना बहुत जनरल बात कर रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मैं बचपन में ना जब छोटा था ना, बचपन में मैं छोटा था तो वो टाइम में मैं सोचता था कि सपोज अर्थ तो क्या है, अर्थ तो कीप रिवॉल्विंग, अर्थ तो क्या अपनी जगह पे ऐसे रोटेट होते रहते, ये पार्टिकल यहाँ आता फिर यहाँ पहुंचेगा फिर यहाँ पर, यहाँ से पीछे पीछे जाके वापस इधर आएगा. ऑल ऑफ यू एग्री? ये सपोज यहाँ पे पोजिशन ऑफ द अर्थ है तो ये पार्टिकल रोटेट होके आगे चला जाएगा. मैंने इससे सोचा था, यू नो हेलीकॉप्टर, आप सभी ने हेलीकॉप्टर सुना होगा, बोलो बोलो. हेलीकॉप्टर देखा है? हेलीकॉप्टर यू नो कैन बी मेड टू रिमेन स्टेशनरी इन एयर, एक जगह पर रुक सकता है हेलीकॉप्टर, आपने देखा है? यस बताओ. तो मैंने क्या सोचा, मतलब मैं एक हेलीकॉप्टर को यहाँ स्टेशनरी कर दिया मैंने हवा में सुबह 10 बजे, मॉर्निंग 10 बजे. ऑलराइट, अब होना क्या चाहिए कि मेरी पोजीशन तो अर्थ रोटेट कर रही है, हेलीकॉप्टर तो हवा में स्टेशनरी है, तो थोड़ी देर बाद सपोज मैंने यहाँ रखा हवा में, थोड़ी देर बाद तो मैं तो आगे चला जाऊंगा ना, बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग, मैं वहां पहुंचूंगा, हेलीकॉप्टर पीछे चला जाएगा. टेल मी, डू यू एग्री और नॉट? होना चाहिए. नहीं, अगर ऐसा नहीं होता दैट मींस अर्थ इज नॉट रोटेटिंग. नो सर, बिकॉज द एयर आल्सो रोटेट्स विद इट, सो राइट. लवली आंसर. एयर को क्या बोलते हैं स्टाइल में? बेटर वर्ड फॉर एयर इज व्हाट? सराउंडिंग. उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग. एक्चुअली क्या होता है मालूम है, व्हाई डज नॉट हैपन, बिकॉज जो सराउंडिंग है इसकी, यहाँ पे सराउंडिंग भी कंसिस्ट ऑफ एयर, इवन दैट रोटेट्स, इसलिए हेलीकॉप्टर को मालूम ही वो भी रोटेट हो रहा है अर्थ के साथ साथ एटमोसफियर में, ये वो भी रोटेट होता है, इसलिए उसकी पोजिशन चेंज नहीं होती. इसलिए पोजिशन एट रेस्ट में हमको एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट वर्ड है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स बोलना बहुत जरूरी है. ऐसा लिखो अ बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट, अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट, a body is said to be at rest if it does not change its position, if it does not change its position with respect to the surroundings. ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं, but you know your knowledge will help somewhere or other, you never know. फिर लिखो state of motion. ऐसे लिखो, a body is said to be in motion, a body is said to be in motion, a body is said to be in motion if it changes its position. Anybody can tell me what should I write further? If it changes its position, with respect to the surrounding. My God, super answer! I really loved this answer. With respect to the surrounding. All right. इसके बाद में लिखो, टाइटल लिखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. फिर टाइटल लिखो डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस लिखो, फिर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताऊंगा. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों साथ में समझेंगे, लेकिन आप खाली अभी डिस्टेंस लिख के रखो. सपोज देयर इज अ पॉइंट ए, अपना जीतू है ना, जीतू पॉइंट ए से जाता है यहाँ पे, लेट अस से पॉइंट बी की ओर 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर पॉइंट सी की ओर आया, उसमें उसने समझो 30 मीटर ट्रेवल किया, राइट, फिर पॉइंट डी पे आया, वापस 10 मीटर ट्रेवल किया. अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ लो. डिस्टेंस इज द एक्चुअल पार्ट टेकन बाय जीतू, मतलब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यानी कि 10 प्लस 30 प्लस 10 यानी कि 50,
एक्चुअल पार्टिकल, एक्चुअल पार्ट, या वापस यहाँ पे आते तो 30 और जुड़ जाएगा, मतलब 50 और 30 80 हो जाएगा व्हेन इट कम्स बैक टू पॉइंट ए. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. पहले पॉइंट ए पे था, बाद में पॉइंट ए, तो इसको बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट. इसको क्या बोलेंगे? यहां से यहां तक के जाने को बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. एरो ऐसा हो जाएगा एडी. द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एडी इक्वल टू 30 मीटर. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक एमसीक्यू ऐसा है कि आउट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विच कैन बी जीरो, कैन बोथ बी जीरो, कैन ओनली डिस्टेंस इज जीरो, कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो, क्या हो सकता है बोलो? विच कैन बी जीरो, विच कैन नॉट बी जीरो? सर डिस्प्लेसमेंट कुड बी जीरो. दैट इज राइट, क्योंकि ये वापस समझो जी टू डी से ए पे पहुंच जाए तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. But distance traveled will be 10 + 30 + 10 + 30, 80 meter हो जाएगा. So remember one simple, displacement can be zero, but distance cannot be zero. All right, which is always greater, at the most equal होगा, which cannot be more than something. क्या displacement distance से ज्यादा हो सकता है या distance displacement से ज्यादा हो सकता है? क्या हो सकता है बोलो? The distance could be more than distance. हाँ, but displacement can never be more than distance. Displacement can never be more than distance. At the most, it can be equal, but distance can always be greater than displacement. अच्छा अभी circular motion की बात करता हूँ. Suppose एक particle है. Suppose radius is r. If I say from A to B, what is the distance? And from A to B, what is the displacement? क्या होगा? कौन बताएगा इसका आंसर? डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोलो? आर इज द रेडियस. ए टू बी, मुझे ए टू बी चाहिए सर. यूजिंग सर्कुलर पाथ. यूजिंग सर्कुलर पाथ ऑफ कोर्स. इट इज गोइंग लाइक दिस, डुग 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 डुग, ऐसे जा रहा है. On the circumference of a circle, particle is moving only along the circumference. So A to B, mein, what is the distance? What is the displacement? If R is the radius, this is the center. So pi R, 2 pi R. Distance will be A to B. I'm talking from A to B. Distance will be 2 pi R. And what about displacement? So it's only A to B. So it will be half, half of 2 pi R, no? Then why you are saying 2 pi r? It is pi r, half the circumference. And what about displacement, A to B? Sir, 2 r. 2 r, khalas. So what you do is, you write down something like this. You can write, distance miliko. The actual distance traveled. Actual distance traveled between the actual distance traveled between initial and final position, between initial and final position distance between initial and final position is called distance traveled by the particle. It's called distance traveled by the particle. Also called path length. Isko path length bhi bolte hain. Also called path, path length. Also called path length. All right, फिर लिखो displacement. Displacement. अच्छा लिखो displacement of the particle is the
displacement of the particle is the change in position of the particle. If the change in position of the particle, change in position of the particle in a particular direction, in a particular direction. पहले example one ये copy करो, example two ये copy करो. A to B है इसमें ध्यान रखना. Copy करो ये. Sir, what is displacement? क्या? बोलो कि बोलो बोलो जोर से बोलो. Sir, could you repeat displacement? Displacement of the particle is the change in position. Change in position of the particle in a particular direction. In a particular direction. हाँ कॉपी किया बच्चों. इसके बाद लिखो स्पीड. Speed is simple लिखो. It is defined as the rate of change of distance traveled by the particle. Or speed equal to distance upon time. Okay. Now what is the average speed? Average speed is SI because simple. Anybody can tell me what must be average speed? Anyone who can tell me what must be average speed on your own? Wrong to wrong chalega mere ko. Sir, kuch bhi bolo na yaar, please. Please say something. Maja aata hai phir. Wrong to wrong. Aapko pata chalega. Wrong answer dena is not jurm, but chup rehna is a jurm. Not to speak. It's like car needs to go from point A to point B due to traffic, it will travel in different speeds, and the average of the speed in which it had traveled would be the average speed. Yeah, that's a very good attempt, but it is not the correct answer. Anybody else? But I like your attempt.
Not I like, you have courage to speak. Vidhi, what do you think? Maj, what do you think? Jitu, Afif, Afif to ho gaya. Om, Prisha, Prisha, aajkal wapas tumne bolna band kar diya. Dekho, main batata hu. Every speed is nothing but. अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो पहले तुम लोगों से आंसर निकालूंगा मैं खुद तो आंसर दे ही दूंगा, लेकिन तुम लोग सपोज तुम्हारा फिजिक्स में मार्क्स आया 80 आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में आया 60 और मैथ्स में आया 90, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स? व्हाट इज द एवरेज मार्क्स? क्या करते हैं एवरेज निकालने के लिए? सो फर्स्ट वी विल ऐड ऑल 3 डिवाइड बाय 3. That is right. This plus total marks scored upon total number of subjects. Basically, total upon total. So, yahan pe koi batayega average speed must be what? Average speed must be what? So, the total distance upon total time travel. That is right. Total distance traveled to total time taken. This becomes the answer. You can just say in line, average speed is nothing but the ratio of total distance traveled to the total time taken. Average speed is the ratio of total distance traveled to the total time taken. To the total time taken. और ये formula लिख दो. उसका formula speed equal to distance upon time. उसका formula total distance travelled upon total time. लिखा आपने? Yes, sir. Okay, अभी है ना इस डायग्राम के हिसाब से आई एम फ्रेमिंग अ प्रॉब्लम. सपोज जीटू इज ट्रेवलिंग ए टू बी इन लेट्स से टू सेकेंड्स, दिस इज इन 3 seconds एंड दिस इज इन लेट्स से 5 seconds. एंड इफ आई से व्हाट इज स्पीड, speed during AB will be what distance upon time, that is 10 by 2, yani kitna 5 meter per second. What is speed during BC? It will be 30 by 3 equal to 3 meter per second. What is speed during CD? Will be 10 by 5 equal to 2 meter per second. But if I say what is the average speed? एवरेज स्पीड क्या होगा कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो 50 अपॉन 10. दैट्स राइट, परफेक्ट आंसर. टोटल डिस्टेंस, वेरी गुड विधि. विधि आई एम सो हैप्पी विद यू. टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है? 10 प्लस 30 प्लस. टोटल टाइम कितना है? 2 प्लस 3 प्लस 50 upon 10. This is the average speed. From A to B. Okay. लिखा आपने? कुछ क्वेश्चन है तो पूछो मेरे को. आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन. आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन होगा तो मुझे पूछिए प्लीज. ओके, इसके बाद में लिखो
स्पीड के बाद में लिखो वेलोसिटी और फिर लिखो एवरेज वेलोसिटी ज्यादा करके जो है वेलोसिटी इटसेल्फ इज सफिशिएंट क्योंकि एवरेज वेलोसिटी करके कुछ ज्यादा होता नहीं है. You can write. Anybody can tell me what must be difference between speed and velocity? कोई बताएगा मुझे अपने own words में? Sir, speed depends on distance while velocity depends on. Depends on? Sir, displacement. That's right. Velocity में लिखने का it is the rate of change of displacement. Velocity is nothing but rate of change of displacement, and that is equal to displacement upon time. Or average velocity is nothing but total displacement upon total time. ये कोई definition पूछेगा नहीं, but you should know these things. In this, what is the average displacement? माज आप तुम बोल रहे हो कुछ भी. माज आर यू फॉलोइंग? माज बेटा आर यू फॉलोइंग? माज आवाज करो यार, आर यू फॉलोइंग और नो? माज माज तुम हो कि नहीं हो लेक्चर में? ओम दोनों भाग गए क्या? और मास है कि नहीं? मास यार यस बोलो. यस आई एम हियर. या बोल ना फिर, कोई डाउट बेटा? इसका आंसर कौन देगा? एवरेज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू डी 30 मीटर. हां एवरेज डिस्प्लेसमेंट एवरेज सॉरी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? यस बोलो. 30 मीटर पर सेकंड. दैट इज राइट आंसर. एवरेज डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट. निधि योर डिस्चार्ज सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी वेरी गुड. व्हाट इज द रीजन? What is the unit of speed or velocity? What is the unit? क्या होता है? बोलो. मीटर पर सेकंड. Do you know one more? बाद में बताएंगे. Speed is scalar. Have you heard of scalar vector? पहले कभी सुना है कि first time सुन रहे हो? Already heard. Mass, आपने सुना है? Mass, Prisha, velocity is a vector, or number three, you should know one convergence. One kilometer per hour, tell me, is how many meter per second? Anybody who knows the answer? Is it 18 upon 5? No, it is 5 upon 18. That is 1000 meter upon 3600 seconds. That is equal to 5 upon 18 meter per second. This you should know. You should know this. Note mein 1, 2, 3. Tino likho. Tino likho. All three.
फिर एक छोटा सा प्रॉब्लम करेंगे हम लोग. एक छोटा सा नन्ना सा प्रॉब्लम करेंगे हम लोग. ऐसे लिखो, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड it returns from B to A at a speed of 60 km per hour. Find number one, average speed, and number two, average velocity. Average speed and average velocity. Because they say average speed, Nidhi. What do you think? Maz, Jitu, Om, Prisha, 40 plus 60 by 2, na? Siddha, 50. What do you think? AC B gaya at a speed of 40 km per hour. Or B se A aya. There is no need to convert this because answer can be given in kilometer per hour. Ispe convert karne ki jarurat nahi hai. Kya karun average speed nikalne ke liye? Kar do. Vidhi, Vidhi, tum bol rahi ho to batao. Can you see 40 plus 60 by 2? So it will be zero now. No, average speed, average velocity will be zero. Average speed. Average speed, beta. Koi to bolo. So kya wrong? 60 upon 2. Haan, kitna? 40 plus 60 upon 2. Yeah, that's not correct answer. That's not correct answer. I tell you how to do it. Please understand. पहले हम लोग average speed निकालते हैं. Let A be equal to x. अब ये दोनों डीडीआर दूर दूर है तो कोई distance तो वैल्यू से दैट distance is x. Alright. Let us say it takes from A to B. It takes time t1. And B to A, let us say it takes time T2. So what is the average speed? The formula kya? Abhi abhi diya hai na formula bol mass. Average speed is what upon what? Mass, ohm, prisha, tino mein se kuch to bolo. Yeah, average speed is what upon what? Upar kya? Total distance travel upon total time. Total distance upon total time. Tell me, what is the total distance traveled in the whole journey? A to B, B to A, mein kitna distance, total distance travel kiya? Aray, kitna distance travel kiya? Aray, bolo. So it is 2x. AB plus BA. X plus X. मैं इतना ब्रेक कर रहा हूँ, तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ तुमको. Therefore, average speed will be equal to 2x upon t1 plus t2. This is, let's say, equation number one. Equation number one. Any doubt? कुछ है तो मेरे को बोलो कि नहीं सर समझ नहीं आ रहा है हमको, सर क्या कर रहे हो आप? कुछ है तो मुझे बोलो, please ask me. Please ask me. बच्चे लोग प्लीज आस्क. प्रिशा आर यू फॉलोइंग? खाली यस नो बोलते खाली इतना. प्रिशा, प्रिशा शेट्टी, अफीफ. यस सर. ओके, नाउ टेल मी
A to B. Can I say speed is distance upon time? Therefore, time will be distance upon speed. Therefore, T1 क्या लिखो? ऊपर क्या लिखो? नीचे क्या लिखो? चलो ये बताओ. खाली इतना बताओ. चलो ऊपर ये लिखो. We know general formula. Distance upon time. Time will be distance upon speed. A to B में time is T1. What is the distance travel? कितना distance travel किया A to B? बोलो यार. Sir, x upon T1. X upon 40. B to A में what is T2? Speed is time is distance upon speed. Distance is again x. Speed is 60. Suppose this is equation 2. This is equation 3. Substitute 2 and 3 in 1. And therefore, V average kya aega? 2x. T1 hai x by 40. T2 hai x by 60. And that is 2x. This is 120 LCM. 40 diya B 103x. 60 duni 2x. 120 upar jayega. So this will become 240x. Upon 5x, x cancel, multiply and divide by 2. So that will become 480 by 10. 50 nahi aata answer. Answer aata hai 48 km per hour. Dekho, kitna mast problem hai ekdam. Ek bar ruler marta hu. Ruler. Dekho. Hamare paas time hai. Yes, aaram se ruler ho jayega. Dekho. Humne kya kiya? Let distance from A to B be x. Okay. Average speed, let distance AB is x. A to B, let us say it takes time T1. Or B to A, it takes time T2. Can you tell me T1 bada ya T2 bada? Time T1, kisme time jyada lagega? A to B mein ya B to A mein? A to B. A to B mein 40 se ja raha hai, it will take more time. Ye 60 se ja raha hai, it will take less time. So T1, T2. Average speed is total distance upon total time. Total distance A to AB plus BA. Upon time is T1 plus T2. X plus X upon T1 plus T2. Average will be 2X upon T1 plus T2. Equation number 1. A to B, speed is distance upon time. Time will be distance upon speed. T1 will be, distance is X. And speed is 40. So T1 will be X upon 40, equation number 2. T2 will be X upon 60, equation number 3. Substitute 2 and 3 in equation number 1. So V average will be 2X upon T1 के बदले लिखेंगे x by 40, T2 के बदले लिखेंगे x by 60, और फिर हम लोग LCM लेंगे, तो 3x plus 2x, 120 ऊपर गए, xx, 480. चलो कॉपी कर लो. और एक होमवर्क लिखो, जनरल फॉर्मूला आपको लाना है, अगर ये स्पीड V1 है, और ये स्पीड V2 है, तो what will be V average? इसका फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा. इस मेथड से करना है, V1, V2 के रूप में आंसर आएगा. V1, V2, V1 ऐसा कुछ आएगा. Everybody will do this as homework. A to B at a speed of V1, B to A at a speed of V2, find the average speed. और average velocity is zero. क्या? Why? Because displacement is zero. A to B के बाद B to A में आ गया, वापस उधर ही पहुंच गया ना, तो displacement is zero. Therefore, average velocity for the whole journey is zero. ये होमवर्क करना है सभी को. एंड यू हैव टू गिव मी फाइनल आंसर. ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी लाइक नंबर v1 v2 के रूप में आएगा आंसर. इधर v एवरेज सेम रहेगा लेकिन इधर v1 v2 के रूप में आएगा आंसर. एवरीबॉडी हैज टू डू दैट. आज अपने पास और वक्त नहीं है. अच्छा सब लोग लॉग बुक लेके तैयार रखो. ये लेक्चर में तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में मुझे लॉग और विधि उसमें अटेंड करना. ये लेक्चर छोड़ के नेक्स्ट लॉग का लेक्चर यू विल अटेंड.